कोरोना के कारण दो वर्ष बाद राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा दिवस के अवसर पर शनिवार को नागपुर नगर निगम के दमकल विभाग द्वारा वार्षिक ड्रिल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। त्रिमूर्ति नगर फायर स्टेशन ने 1:10 में ड्रिल पूरी कर पहला स्थान हासिल किया। लकड़गंज फायर स्टेशन ने 1:11 में ड्रिल पूरी की और दूसरे स्थान पर रही, जबकि सकरदरा फायर स्टेशन ने 1:12 में ड्रिल पूरी की और तीसरे स्थान पर रही। बवन जाधव ने व्यक्तिगत सीढ़ी अभ्यास जीता। मुख्य अग्निशमन अधिकारी राजेंद्र उचके, उप मुख्य अग्निशमन अधिकारी बीपी चंदन खेड़े, थाना प्रभारी तुषार बरहाटे, सुनील डोकरे, राजेंद्र दुबे, भगवान वाघ आदि उपस्थित थे। शनिवार को सुबह 8 निगम मुख्यालय के प्रशासनिक भवन के सामने ड्रिल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसमें एनएमसी के 9 दमकल केंद्रों की 9 टीमों ने हिस्सा लिया था। प्रत्येक टीम में 6 सदस्य थे। फायर ब्रिगेड के वाहन से सीढ़ी को नीचे करना, सीढ़ी को पिच करना, पंप चालू करके पानी के जेट को नोटिस करना, 2 होज लाइन फेंकना, एक ही समय में सीढ़ी चढ़ना, रस्सी से लिपटी नली को खींचना, डमी दुर्घटना को खींचना जैसी गतिविधियां थीं। व्यक्तिगत ड्रिल स्पर्धा में सुरेश अतराम और राजू पवार दूसरे और प्रवीण गिरी तीसरे स्थान पर रहे। इसमें 30 दमकल कर्मियों ने भाग लिया। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहर के साथ अभिषेक पानसी, BCN न्यूज, नागपुर। नागपुर महानगर पालिकेच्या अग्निशमन विभागात जवानांमध्ये स्फूर्ती उत्साह कायम राहाव म्हणून ड्रिल कॉम्पिटिशन दरवर्षी घेण्यात येते। मागच्या 2 वर्षापासून ड्रिल कॉम्पिटिशन कोरोनामुळे बंद होते। 2 वर्षानंतर आता परत उत्साह ड्रिल कॉम्पिटिशन आज संपन्न झालेली आहे। त्यामध्ये अग्निशमन जे 9 केंद्र आहेत त्या 9 केंद्राच्या 9 टीम्सनी याच्यात सहभाग घेतला आणि अत्यंत खेळीमेळीच्या वातावरणामध्ये आणि एकदम जोशपूर्ण वातावरणामध्ये ड्रिल कॉम्पिटिशन पार पडलेली आहे। या ड्रिल कॉम्पिटिशनमध्ये जे अग्निशमन विभागाचं कार्य आहे त्याच्याशी संबंधित ड्रिल आखण्यात आलेली आहे आणि ही जी स्टँडर्ड ड्रिल आहे पूर्ण भारत देशामध्ये याच पद्धतीने ड्रिल घेण्यात, यात गाडीतून होस काढणे, लॅडर पिच करणे, त्यानंतर वजन वरती ओढणे, कॅज्युअल्टीला स्ट्रेचरपर्यंत नेणे आणि परत होस रोल करून पूर्ण मेकअप करून असं एक एकंदरीत पूर्ण ड्रिलचं स्वरूप असतं। आणि आमच्या 9 टीमनी अत्यंत चांगलं प्रदर्शन केलेलं आहे आणि पहिल्या ज्या 3 टीम आहेत त्यामध्ये फक्त सेकंडचं अंतर आहे, त्यामुळे एकदम कॉम्पिटेटिव्ह आणि एकदम हेल्दी पद्धतीने ड्रिल संपन्न झालेली आहे। आणि हा जो उत्साह आहे हा अग्निशमन विभागाच्या कार्यामध्ये रिफ्लेक्ट व्हावा या उद्देशाने ही ड्रिल कॉम्पिटिशन आयोजित करण्यात आले।